भाई मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से गिरते हुए नजर आए। भाई जीते कोई यहाँ पर बात किसी और की, लेकिन आ गया है मुनव्वर फारूकी उस बीच में। और आए भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह की यहाँ पर हरकतें कर दी थी मुनव्वर ने, जिसके बाद यहाँ पर उन पे बातें आनी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लाजमी थी। ऐसा लग भी रहा था कि मुनव्वर फारूकी इस चीज में बाद में जरूर घिरेंगे, और वही हुआ भी है। दरअसल दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त लीक अपडेट निकल के सामने आई थी, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल मैंने देखा वहां पे आ गया अपडेट की यहाँ पर झलक दिखला जाए, जिसमें कि यहाँ पे मनीषा रानी बिग बॉस ओटीटी को के बाद यहाँ पर गई हुई थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के गई हुई थी भाई। और उन्होंने वहां पर जो धूम मचाया है, बहुत ज्यादा उनको वोट मिला, और उसकी वजह से वो शायद यहाँ पर झलक दिखला जाए कुछ जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, और उसके जीतने के बाद जीते उधर मनीषा और इधर यहाँ पे मुनव्वर फारूकी बुरी तरह से फंसते हुए नजर आए। जी हाँ दोस्तों, हर जगह कमेंट सेक्शन में, अब ट्विटर में, और हर जगह जो जिस तरह से ट्रेंड हो रहा है, जिस तरह से ट्वीटें हो रही है दोस्तों, उस पर साफ यहाँ पे नजर आ रहा है कि मुनव्वर फारूकी ने एक बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद यहाँ पर अब मनीषा रानी के फैंस जो है, मनीषा रानी के फैंस जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते थे, वो अब यहाँ पे मुनव्वर फारूकी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई तुम कितना भी जोर लगा लो, अपना सीजन जीत गए इसका मतलब क्या, तुम्हारा हर जगह राज नहीं चलने वाला है। और ये बात कहते हुए लोग इसलिए नजर आ रहे हैं भाई कि यहाँ पर मुनव्वर फारूकी ने एक पोस्ट स्टोरी डाल दिया था धनंश्री को सपोर्ट करते हुए, जो कि झलक दिखला जाए में एक पार्टिसिपेंट थी युजवेंद्र चहल की, वो कहीं ना कहीं वाइफ आपको मालूम होगा अगर। तो इसके बाद यहाँ पर जिस तरह से अपडेट अब निकल के सामने आ रही, क्योंकि वो जीत नहीं पाई दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है लोग यहाँ बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ पे वोट अपील कर देने से कुछ नहीं होगा, वही होगा जो यहाँ पर हम चाहेंगे। और मनीषा रानी को हम चाहते थे कि वो जीते, आखिरकार वो जीत भी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि भाई उन्होंने एक स्टोरी लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई अब जो है लोग उनको ही ट्रोल करें। भाई सबने अपने अपने जगह पे यहाँ पे स्टोरी लगाया है, फुकरा इंसान ने सपोर्ट किया मनीषा को, इसका मतलब अब ये भी नहीं कह सकते भाई कि किसी को जाकर के हेट देना, या फिर किसी को ये जाके कहना कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है भाई, उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया, वो जिनको सपोर्ट कर रहे थे वो हार गए, तो भाई उसमें हो सकता है भाई कि उनकी भी परफॉर्मेंस की बात रही होगी। अब यहाँ पर एक तरफ मनीषा को घेरना और यहाँ मनीषा की खुशी में मुनव्वर को घेरना कहीं ना कहीं गलत लगता है। आपको क्या लगता है इसके बारे में दोस्तों, आप खुश हैं यानी मनीषा के जीतने से? कमेंट करके हमें जरूर बताइए अपने ओपिनियन।